क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर वन, साइन 15 डिग्री। अगर आप बुक पे देखें तो सामने हिंट भी दी हुई है कि आपने 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स का डिफरेंस लिखना है जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद है। अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है वो ऊपर मैंने व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दी, 30, 45 और 60। 45 और 30 डिग्री का डिफरेंस लें कितना बनता है, 15 डिग्री, सही है। ऐसे ही 60 और 45 डिग्री, इन दो एंगल्स का डिफरेंस लें तो भी क्या बनता है, 15। यानी साइन 15 डिग्री जो हमने फाइंड करने है, इसको दो तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। आप चाहो तो साइन 45 माइनस 30 लिख लें, या फिर आप इसको किस तरह से कर सकेंगे भाई, साइन 60 माइनस 45। ये दोनों का डिफरेंस, 60 में से 45 माइनस करें तो कितना एंगल बनता है, 15। ऐसे ही 45 में से 30 माइनस करें तो भी 15 बनता है, सही है। तो दोनों डिफरेंसेस यूज किए जा सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल ये फर्स्ट वाला ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब साइन 45 माइनस 30, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला का फॉर्मेट पहले हम अप्लाई करेंगे, वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। फॉर्मेट क्या है भाई, साइन कॉस अल्फा बीटा छोड़ दें, ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। तो ये वैल्यू ओपन होके बनने जा रही है साइन कॉस माइनस कॉस साइन। यहां पर था अल्फा बीटा तो दोनों जगह अल्फा बीटा लिखा है। अब एंगल कौन से हमारे पास, 45 एंड 30, तो 45 30 यहां पे, 45 30 यहां पे, सही है। वैल्यू बनी साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 एंड साइन 30। देखें ये तरह से क्लियर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने फार्मूला का सही इस्तेमाल किया है और इसमें कोई नया काम नहीं किया। साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई किया है, जहां पे अल्फा और बीटा दो एंगल्स आ रहे थे वहां पे हमने 45 और 30 पुट किया है। फॉर्मेट इस तरह से, पहले साइन कॉस और फिर क्या आ रहा था, कॉस साइन, तो हमने साइन कॉस कॉस साइन लिख दिया, सही है। अब इनमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज भी वो जो हमने 9.3 में ऑलरेडी याद की थी, 9.3 में याद की थी ना वैल्यूज, यस। साइन 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, वो ऊपर टॉप कॉर्नर पे लिखा है, अगर किसी ने पहले नहीं याद की अब याद कर रहे। कॉस 30 कॉस 30 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड साइन 30 1 ओवर 2। मल्टीप्लाई करें 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये ऐसे ही है जैसे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवाना हो तो वो फिर सिर्फ टक्कर मारने वाली बात है। एक्स मल्टीप्लाई वाई का आंसर क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है। तो ऐसे ही 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 स्क्वायर रूट दोनों आ, सही है। ऊपर 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, नीचे फिर से वही चीज 2 स्क्वायर रूट 2 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो 2 स्क्वायर रूट 2 LCM स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ये इसका आंसर आ। ये हमने विदाउट कैलकुलेटर साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल दी, सही है। अगर आप लोग चाहें तो इस डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखें, कॉस 15 डिग्री, हाँ जी कॉस 15 डिग्री, इसको हम लिख लेंगे कॉस 60 माइनस 45, ठीक है। 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं या फिर 45 माइनस 30, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब कॉस का फॉर्मेट देखना भाई, कॉस का फॉर्मेट किस तरह से है, दोनों कॉस आ रहे हैं और उसके बाद दोनों साइन, अगर क्लोज फॉर्म में प्लस है तो एक्सपेंशन में माइनस, अगर क्लोज फॉर्म में माइनस है तो एक्सपेंशन में प्लस। इसका साइन का हमेशा मसला रहता है, जैसे वो 9.2 वाली भी एक ट्रिक थी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बन जाए, प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही है। लेकिन हालांकि साइन और टैन उसमें माइनस आराम से स्टार्ट में आ जाता होता है, तो यहां पर भी माइनस की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ कॉस वाले फंक्शन में है, बात क्लियर है। पहले हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, दोनों कॉस और उसके बाद दोनों साइन, अगर क्लोज फॉर्म में माइनस है तो एक्सपेंशन में प्लस आ जाएगा। क्या क्या एंगल यूज किए हैं, 60 45 60 45, कॉस 60 ये रहा है, कॉस 60 1 ओवर 2, कॉस 45
वन ओवर स्क्वायर रूट टू साइन 60 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस इनटू साइन 45 वो सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर में 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 तो ये बनता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 कितना एलसीएम 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर। इसको अगर सेकंड मेथड से कर रहे हैं तो सेकंड आपके पास क्या होगा भाई नहीं वो आप खुद कर लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट वन देखें 10 15 डिग्री इज इक्वल टू 10 60 माइनस 45 तो 10 वाला फार्मूला यूज करें 10 का फार्मूला क्या है भाई 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा तो ये वैल्यू बनी 10 60 माइनस 10 45 ओवर 1 प्लस 10 60 इंटू 10 45 जी बेटा 10 60 वो उधर टॉप कॉर्नर में लिखा हुआ है 10 60 किसके इक्वल स्क्वायर रूट 3 10 45 1 ओके जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी ठीक है 10 60 कितना है स्क्वायर रूट 3 10 45 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये हमारा 10 15 डिग्री का आंसर आ हाँ जी देखें बात क्लियर चलो नोट कर लें स्पीड से एक छोटी सी चीज देख लें कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से ख्वाहिश करते हैं कि 10 15 का आंसर निकाल लें तो कोशेंट आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं की जा सकती है 10 15 को लिख लें साइन 15 ओवर कॉस 15 अब साइन 15 इसका भी आंसर अवेलेबल है कॉस 15 भी अवेलेबल है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 ये कैंसिल स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आंसर आ गया लेकिन अभी इसको नोट नहीं करना एग्जाम में अगर 10 15 डिग्री का क्वेश्चन आता है फाइन 10 15 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर तो अगर आप ये कोशेंट आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं तो आपको साइन 15 भी सॉल्व करना पड़ेगा कॉस 15 भी सॉल्व करना पड़ेगा फिर वो दोनों वैल्यूज आप इधर पुट करें ठीक है लेकिन अगर जैसे क्लास वर्क कर रहे हैं क्लास टेस्ट एक लिया जाता है उसमें साइन 15 कॉस 15 और 10 15 तीनों वैल्यूज पूछ ली जाती हैं फिर 10 का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं ठीक है अगर एग्जाम में इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन आए जस्ट फाइंड 10 15 डिग्री तो 10 का फॉर्मूला लगाएं उसमें 10 60 10 45 की वैल्यूज पुट करें आंसर सही है लेकिन अगर कोई क्लास टेस्ट ले रहे हैं उसमें आपसे साइन 15 कॉस 15 और 10 15 तीनों पूछ लिए जाते हैं फिर आप 10 के लिए ये कोशेंट आइडेंटिटी ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं इज इट क्लियर भाई चलो नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 4 आर एट 105 अब 105 डिफरेंस से तो नहीं आएगा ना 60 और 45 के सम से आएगा ठीक है इस दफा सम वाला फॉर्मूला यूज होना है ओके तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 प्लस 45 साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें साइन वाला फॉर्मूला क्या साइन कॉस कॉस साइन कॉस प्लस कॉस साइन तो साइन 60 कॉस 45 कॉस 60 साइन 45 साइन 60 किसी को टेबल वैल्यूज याद होगी हाँ जी साइन 60 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस 60 साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 कितना एलसीएम आया बेटा जी 2 स्क्वायर रूट 2 हुआ एलसीएम स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ये इसका आंसर अच्छा अगर थोड़ा सा अगर आप लोग फोकस रखें इसमें तो ये जो हमने नीचे इसको सॉल्व किया था अगर हम इसी में 60
प्लस प्लस का साइन लगा दो, देखिए ये 105 सेम वही नहीं सॉल्व हो गया, सही है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, कॉस 105। तो कॉस 105, अब जब हमने कॉस 105 लिखना है तो उसको 60 माइनस 45 तो नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या कर लेंगे, 60 प्लस 45। अब जब कॉस का हमने प्लस वाला फॉर्मूला ओपन करना है तो उसकी एक्सटेंशन में दरमियान में प्लस के बजाय किस चीज का साइन होगा, माइनस, ये हमने दरमियान में माइनस का साइन लगा, ठीक है। कॉस 60 कितना हुआ बेटा जी, 1/2 कॉस 45, 1/√2 साइन 60, 3/√2 साइन 45, 1/2 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट 2, 3/2 स्क्वायर रूट 2, 1 माइनस रेडिकल 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर। हाँ जी क्लियर बेटा जी, अब लास्ट वन टेन वाला कर लेंगे, टेन 105। तो यहां पर अब माइनस के बजाय क्या आ गया, प्लस। तो अब इन दोनों के फार्मूलाज में देखें क्या चेंज है, फार्मूलाज में क्या चेंज, अगर यहां पे प्लस है तो न्यूमिरेटर में प्लस आ रहा है, अगर यहां माइनस है तो उसकी एक्सपेंशन में न्यूमिरेटर में माइनस आ रहा है, और नीचे उसका अल्टरनेट साइन है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहां पर सिर्फ साइन चेंज होगा, बोले दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस, और यहां पे माइनस, और ये हमारा टेन 105 का आंसर। हाँ जी, एनी क्वेश्चन बेटा जी?